आगामी कालिदास अकेडमी के आयोजन को लेकर अभिनव रंग मंडल के निदेशक शरद शर्मा ने कालिदास समारोह को लेकर चर्चा की गई व अभिनव रंग मंडल द्वारा भी कालिदास अकेडमी में रंगारंग आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर आयोजक से विशेष चर्चा की गई। राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट। सर, कालिदास अकादमी समारोह के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले लगातार कई सालों से मैं देख रहा हूं कि कालिदास समारोह की गरिमा लगातार गिरती चली गई। एक तरह से पिछले कुछ सालों से समारोह को जिसका अखिल भारतीय स्वरूप हुआ करता था, अब उसे स्थानीय समारोह के रूप में तब्दील कर दिया गया था। इस बार हम लोगों ने कुछ मंत्री जी से मिलकर उनसे अनुरोध किया कि आप इस समारोह की भव्यता को वापस प्रतिष्ठित करें और कुछ अच्छे कार्यक्रम इस समारोह के लिए सिलेक्ट करें, जिससे कि समारोह की जो गरिमा पहले रहा करती थी वो पुनः उसे हासिल हो। तो अभी तक कार्यक्रम चूंकि मालूम नहीं है, हालांकि हमारा नाटक उसमें लहरों के राजंस हो रहा है, पर शेष कार्यक्रम क्या हो रहे हैं ये भी सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं हुए हैं, इसलिए कार्यक्रमों के बारे में कुछ मुझे जानकारी नहीं है। निर्देशक के रूप में आपकी क्या राय है, कैसा होना चाहिए? मतलब देखिए, निदेशक ऐसा होना चाहिए जिसके पास जमीनी अनुभव हो। ठीक है, ये चूंकि संस्कृत एकेडमी है, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तब तो समझ में आता था कि संस्कृत का ही निदेशक होना चाहिए, लेकिन आज किसी स्कॉलर की जरूरत नहीं है। आज चूंकि कार्यक्रम ज्यादा केंद्रित हो गए हैं एकेडमी में, तो एक मैनेजमेंट के मामले में जिसको अच्छी अनुभव हो, जो अच्छा प्रैक्टिशनर हो, जिसे काम करने की हर विधा की जानकारी हो और जिसका एक व्यापक प्रभाव हो, देश के कला केंद्रों से अच्छा संपर्क हो, कलाकारों से अच्छा संपर्क हो, तो उसके पास एक दृष्टि होगी व्यापक रूप से काम करने की और वो बेहतर तरीके से काम भी कर सकेगा। तो इसलिए निदेशक ऐसा होना चाहिए जिसको राष्ट्रीय स्तर पे कोई जानता हो, जिसकी पहचान हो, जिसके पास काम का अनुभव हो। आपका जो कार्यक्रम है वो कितनी तारीख से कितनी तारीख तक चलेगा? देखिए, मेरा कार्यक्रम है, मैं साल में 2-3 फेस्टिवल करता हूँ, तो इस बार मेरी जो शुरुआत हो रही है वो राज्य नाट्य समारोह से हो रही है, जो मैं स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के नाम पे करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पंडित नेहरू और मौलाना आज़ाद के बाद अर्जुन सिंह ऐसे राजनेता हुए जिन्होंने कल्चर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, इसीलिए हम उनकी स्मृति को अक्षुण बनाए रखने के लिए उनकी मेमोरी में 7 दिन का आयोजन करते हैं, जो राज्य नाट्य समारोह के रूप में होगा, अर्जुन सिंह रंगोत्सव। इसकी शुरुआत हम 18 नवंबर से 24 नवंबर तक करने जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है, दिग्विजय सिंह जी से अनुरोध किया है कि आप समारोह के उद्घाटन में आए। एक बड़े संस्कृति कर्मी, आलोचक, कवि, जिन्होंने इस प्रदेश को भारत भवन दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अशोक वाजपेयी, उन्हें भी हमने इस समारोह के लिए आमंत्रित किया है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरद शर्मा है। इस समारोह में सागर से टीम आ रही है, छिंदवाड़ा से टीम आ रही है, सतना से टीम आ रही है, भोपाल से टीम आ रही है और एक और रीवा से टीम आ रही है। एक हम लोगों का नाटक है, कुछ 7 नाटक इस नाटक समारोह में मंचित होंगे। तो आपके माध्यम से दर्शकों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि वे अधिक से अधिक संख्या में आए, प्रवेश निःशुल्क है। और बस एक चीज का अनुरोध मैं हमेशा दर्शकों से करता हूँ कि मैं चूंकि समय पे कार्यक्रम शुरू करता हूँ, इसलिए समय पे आकर हम सहयोग करें। धन्यवाद।